नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अरविंद सिंह पेमावत, हेड ऑफ करियर डेवलपमेंट कॉर्पोरेट रिलेशंस गीतांजलि ग्रुप उदयपुर। जैसा कि हर बार हम कुछ आपके लिए नया लेकर आते हैं, इस बार भी कुछ नई बातों के साथ हम आपके सामने आए हैं और जो आपके करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट और स्किल डेवलपमेंट के बारे में होगी। काफी सारे विद्यार्थी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स विद्यार्थी की दो क्वेरीज नॉर्मली आती है। पहली क्वेरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेकंड क्वेरीज है कि सर मेरा परसेंटेज कम है, मेरा 60% थ्रू आउट नहीं है, मैं TCS के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं इंफोसिस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। एलिजिबिलिटी के हिसाब से काफी बच्चे जो नॉलेज होने के बावजूद भी उस प्रोसेस के लिए नहीं बैठ पाते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? नॉर्मली काफी सारी कंपनीज अगर कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है, अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 10, 12 और ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम 60% थ्रू आउट होना चाहिए। इफ समबडी हैज अ लेस परसेंटेज 12, दे आर नॉट एलिजिबल, सो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर लेते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल जो असेसमेंट पोर्टल्स हैं, वो असेसमेंट पोर्टल अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं भी है तो उस असेसमेंट पोर्टल के माध्यम से, आपके अच्छे स्कोर के माध्यम से, आप अच्छी कंपनीज और जो टॉप MNCs में अच्छी पैकेज पे अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, डी लेवल के नाम से प्लेटफॉर्म है और वो विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी देता है। उसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी, जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी नहीं है, तो भी आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठ सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके पास और उसके लिए जो असेसमेंट होता है, नॉर्मली काफी सारे असेसमेंट पोर्टल के ऊपर जो असेसमेंट होता है उसके चार्जेस लगते हैं। आपको चार्जेस पे करना पड़ता है, किसी का 1000 होता है, किसी का 1500 होता है, किसी का 700-800 होता है। वो आपके स्कोर से आपको असेस करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन री लेवल के पास आपके असेसमेंट के लिए भी कोई चार्जेस नहीं, इट इज कंप्लीटली फ्री। इट मींस इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू एज वेल एज फॉर द कंपनी, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल और यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द एलिजिबिलिटी, बट बिकॉज ऑफ असेसिंग योरसेल्फ बाय अ पोर्टल एंड यू आर गेटिंग अ गुड मार्क्स एंड यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द पैकेजेस नियर अबाउट 10 to 15 और इट कैन बी मोर देन दैट। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी सारे विद्यार्थी उस पोर्टल के माध्यम से सेलेक्ट भी हुए हैं और अगर आप असेसमेंट देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं और मार्क्स अच्छे लेके आते हैं तो आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं उनके द्वारा, सो दैट यू कैन गेट मोटिवेटेड। आपको अच्छा लगे कि व्हाट इज योर रैंक इन देयर पोर्टल और कौन कौन सी कंपनीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे yatra.com हुआ, अपग्रेड हुआ और बायजूस हुआ और क्रेड, दैट इज क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनीज है, ओला हुआ, तो ऐसी कंपनीज हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई है और वो विद्यार्थियों को असेस करती है। कौन कौन से विद्यार्थी इस अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाते हैं? कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट, और इनके पास जो पहले जो पोर्टल में अपॉर्चुनिटीज थी वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर की थी। लेकिन रिसेंटली इन्होंने 4 और अपॉर्चुनिटीज विद्यार्थियों के लिए ही, अगर कोई MBA HR है या MHRM का विद्यार्थी है, कोई मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर वो ह्यूमन रिसोर्स में अपना करियर बनाना चाहता है, तो बहुत सारी कंपनीज है जो HR की प्रोफाइल पे लेती है और उस पोर्टल के माध्यम से आप ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर आपको जाना है, अगर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में जाना है, तो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज है टू गो फॉर दी ऑपरेशन मैनेजमेंट फील्ड एज वेल एज दी एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड। उसके अलावा उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है एंड्रॉइड एप डेवलपमेंट, बिकॉज फ्रंट एंड बैक एंड थोड़ा सा अलग हो गया, एंड्रॉइड एप डेवलपमेंट में किसी को अपॉर्चुनिटीज की जरूरत होती है और काफी बच्चे होते हैं वो एंड्रॉइड में बहुत अच्छे होते हैं, एंड्रॉइड ऐप में बहुत अच्छे होते हैं, ढंग से वो उस चीज को बनाने में भी उनको अच्छा लगता है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी प्रोसेस होते हैं काफी सारी कंपनीज लेती है और आपको इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि असेसमेंट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप कितने एलिजिबल हैं किसी प्रोसेस के लिए और आपके पास क्या योग्यता है, आप उस प्रोसेस को क्रैक करने की काबिलियत रखते हैं नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह, अपॉर्चुनिटीज कैसे आप लॉगिन करना है वो आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है और अपनी कैपेबिलिटीज को पता करना है तो परसेंटेज, क्वालिफिकेशंस, दीज ऑल आर सेकेंडरी, फर्स्ट इज द नॉलेज। अगर आपके अच्छा नॉलेज है, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये प्रोसेस को आसानी से क्रैक कर पाऊंगा, तो अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। पैकेजेस भी अच्छे हैं, री लेवल के माध्यम से कितने ही विद्यार्थियों को अच्छे अच्छे पैकेजेस मिले हैं और उन्होंने अप टू 15 crore तक के पैकेजेस की सैलरीज के विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटीज दी हैं और काफी सारे विद्यार्थी ऑलरेडी लग चुके हैं और जो भी उनके पोर्टल पे आपको काफी सारी डिटेल मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर आप अप्लाई करेंगे
तो आपको पता भी चलेगा कि आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, उनके प्रैक्टिस स्लॉट्स भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्लस उस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड बहुत सारे पोर्टल्स हैं, हर पोर्टल के बारे में हम आपको समय समय बताते रहेंगे, ऐसे पोर्टल्स जिसके माध्यम से आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया कुछ कोर्स मटेरियल है, मुझे पढ़ना क्या है ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तो उस केस में भी आपको ये पोर्टल्स हेल्प करते हैं कि आप किस कोर्स मटेरियल के माध्यम से क्या जॉब ले सकते हैं। अगर अगर कोई एमबीए का विद्यार्थी है और उसको ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई कोर्स पता करना है, तो वो इस माध्यम से पता कर सकता है। सो नो नीड टू वरी, गिव योर बेस्ट, परसेंटेज इज ओनली द नंबर्स, एंड इफ यू हैव द कैपेबिलिटीज, वी नो मेनी एग्जाम्पल्स, काफी सारे विद्यार्थी हमें दिखते हैं अलग अलग पोर्टल्स पे, गूगल पे, लिंक्डइन पे, कि भैया उनके परसेंटेज कम थे लेकिन कंपनीज हैज हायर देम, गिवन अ गुड पैकेजेस बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एज वेल एज देयर नॉलेज। सो इट इज ओनली द नंबर्स, नो डाउट मेनी कंपनीज हु आर हायरिंग थ्रू द कैंपस एंड ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, दे हैव द लिमिटेड बेंचमार्क, द मिनिमम एलिजिबिलिटी, सो वो चीज तो रहेगी रहेगी, लेकिन काफी सारी कंपनीज हैं जो एलिजिबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करती है, उसका फोकस रहता है कि भैया आपका नॉलेज कितना है। और बीटेक का विद्यार्थी, एमबीए का विद्यार्थी इन सब अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल होता है, तो आपको अप्लाई करने के लिए रहेगा। और कोई नॉर्मल बीसीए बीएससी विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि मैं फ्रंट एंड में अच्छा हूँ, बैक एंड में अच्छा हूँ, मैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में अच्छा हूँ, तो भी उस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए का विद्यार्थी जिसको लगता है मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में अच्छा हूँ, मैं बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग में मुझे अच्छी रुचि है और मैं उस प्रोसेस के लिए जा सकता हूँ, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है, क्योंकि आजकल काफी सारी कंपनीज में प्रोडक्ट मैनेजमेंट का बहुत ट्रेंड है, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को जो इस फील्ड में जाते हैं उनको अच्छी सैलरीज भी मिल रही है, बिकॉज दे हैव टू गो फॉर द प्लानिंग। तो उस प्रोसेस के लिए भी आप अच्छी सैलरीज पे जा सकते हैं, अच्छी कंपनीज में जा सकते हैं, और जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको काफी सारे नॉलेज अपने आप हो जाएगा। जब आप उस पर रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को, तो आपको पता चलेगा कब टेस्ट देना है, कब उस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठना है, कब उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। So, इन सब चीजों के बारे में आप जब उस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको यह ज्ञान मिलेगा, और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत करें, जुनून के साथ काम करें, और मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रोसेस क्रैक करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। सो अगर किसी को लगता है कि एलिजिबिलिटी हर कंपनीज में होती है, तो ऐसा नहीं है, काफी सारी कंपनीज आपके काबिलियत के ऊपर आपको हायर करती है, और अच्छी कंपनीज, टॉप कंपनीज आपको हायर करती है। सो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परसेंटेज 10-12 के नहीं सुधारे जा सकते, लेकिन अपने नॉलेज को आज हम सुधार सकते हैं। सो इसी के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।